हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का मॉडल सेट 2 को देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने सेट 1 अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोगों के एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ से आपके एग्ज़ाम में अधिकतर प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों मैं जितना भी वीडियो अपलोड करता हूँ बस उसको आपको कम्प्लीटली देखना है, 2-3 बार देखना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से 100% प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे एक भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। सारे का सारे वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है। अगर आप सारे वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हैं दोस्तों, तो आपका एक भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों के एग्जाम में सेम टू सेम इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। जो आपका नंबर रहेगा दोस्तों 40 नंबर का रहेगा और 40 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स के लिए रहेगा, और इसके लिए समय कितना दिया जाएगा, तो 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। 90 मिनट का आप लोगों का समय दिया जाएगा, और 90 मिनट में दोस्तों आप लोगों को मात्र 40 क्वेश्चन को सही करके आना है, ठीक है। मात्र 40 क्वेश्चन को टिक करना है, ठीक है। और आपका गलत मार्क, गलत अगर आप कोई क्वेश्चन को गलत करते हैं दोस्तों, तो उसके लिए कोई आपका मार्क्स नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन को टिक करके आना, चाहे आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक है। पूरा का क्वेश्चन को आपको टिक करके आना है। तो चलिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, लोथल की खोज किसने की थी, ठीक है। लोथल की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका SR राव, ठीक है। SR राव के द्वारा लोथल का खोज किया गया था। और लोथल जो है दोस्तों, ये आपका कौन सा राज्य में है, तो ये आपका गुजरात राज्य में है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है, लोथल जो है दोस्तों ये आपका गुजरात राज्य में है, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन थे, ठीक है, जिन्होंने फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य को जो प्रथम शासक था दोस्तों, ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, और इन्होंने मौर्य वंश का स्थापना किया था, ठीक है। आगे देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, ठीक है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मैगस्थनीज, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, मैगस्थनीज। आगे देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न है, हड़प्पा वासी जो है दोस्तों तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। हड़प्पा के जो लोग थे दोस्तों, वो आपका तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे, ठीक है। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, खेतड़ी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खेतड़ी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और ये खेतड़ी कहाँ है दोस्तों, कौन सा राज्य में है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है, खेतड़ी जो है वह कौन सा राज्य में है। आगे देखिए, छठा नंबर प्रश्न है, धोलावीरा का खोज किस वर्ष हुई, ठीक है, धोलावीरा का खोज किस वर्ष हुई। ये दोस्तों धोलावीरा जो है फ्रेंड्स, ये आपका गुजरात राज्य में है, ठीक है, और इसका खोज कब किया गया था, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, तो इसका आंसर कमेंट में आप लोग जरूर बता पाएंगे। आगे देखिए, सातवां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता था, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दक्षिण भारत से, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, आठवां नंबर प्रश्न है आपका, सुंग वंश, ठीक है, सुंग वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार या फिर पुष्यमित्र सुंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, नाइन्थ नंबर प्रश्न है आपका, भारत के प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है, भारत के प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, आहात सिक्के और पाश्र मार्ग सिक्के, ठीक है, ये दोनों नाम से जाना जाता था। आगे देखिए, दसवां नंबर प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध चरित्र के लेखक निम्न में से कौन है, ठीक है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो अश्वघोष। 11वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 11वां नंबर प्रश्न है, निमांकित में से कौन गुप्त वंश का शासक था, ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका गुप्त वंश का शासक था। तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ये आपका गुप्त वंश का शासक था। आगे देखिए 12वां नंबर प्रश्न दोस्तों, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। ठीक है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, जो अशोक का राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों, ये आपका 269 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये फ्रेंड्स आपका मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का शासक था। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और जो सांची का स्तूप है दोस्तों, इसको किसने बनवाया था, तो ये आपका अशोक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। बुद्ध की, महावीर की, जीसस की, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बुद्ध की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। ठीक है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कैवल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न है आपका, महावीर के बचपन का नाम क्या था। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ पे आपका पूछा जा सकता है बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। ठीक है, तो दोनों को आपका बचपन का नाम याद रखना है, महावीर का बचपन का नाम क्या था और बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया दोस्तों महावीर का बचपन का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वर्धमान। ठीक है, महावीर का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान, और बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। ठीक है, दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में एक प्रश्न निश्चित ही पूछा जाएगा, या तो आपका महावीर का बचपन का नाम पूछा जाएगा या फिर आपका बुद्ध का बचपन का नाम पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोनों को आपको याद रखना है। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वज्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 18वां नंबर प्रश्न, बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगीति में हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, कि बौद्ध समुदाय का प्रथम विभाजन किस संगीति में हुआ था, प्रथम, द्वितीय, या फिर आपका द्वितीय, चतुर्थ, या फिर तृतीय। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखिए 19वां नंबर प्रश्न है आपका, पंच महाव्रत संबंधित है निम्न में से। ठीक है, पंच महाव्रत दोस्तों किससे संबंधित है, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म से। आगे देखिए 20वां नंबर प्रश्न है आपका, चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 100 ईसा ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 21वां नंबर प्रश्न है आपका, सूफी परंपरा में खानकाह का क्या अर्थ है। ठीक है, सूफी परंपरा में खानकाह का क्या अर्थ है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आश्रम। सूफी परंपरा में जो खानकाह से तात्पर्य है दोस्तों, ये आपका आश्रम था। ठीक है, खानकाह मतलब दोस्तों जहाँ पे लोगों को रहने के लिए दिया जाता था। ठीक है, उसको आपका आश्रम कहा जाता था। 22वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका 23वां नंबर प्रश्न, नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चेर वंश के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आगे देखिए 24वां नंबर प्रश्न है, वज्रयान किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, वज्रयान किस धर्म से संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, वज्रयान जो है दोस्तों ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। 25वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है। ये दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका पुरी में स्थित है। ठीक है, और पुरी कहाँ पे है दोस्तों, तो उड़ीसा में है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि पुरी कहाँ पे है आपका, तो उड़ीसा में है। ठीक है,
आगे देखिए 26वां नंबर प्रश्न है आपका, मगहर में किसका मृत्यु स्थान माना जाता है, मगहर में किसका मृत्यु स्थान माना जाता है, कबीर का, रैदास का, नानक का या फिर मीरा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कबीरदास का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, कबीरदास को आपका मगहर का मृत्यु स्थान माना जाता है। आगे देखिए 27वां नंबर प्रश्न है, किस काल, ठीक है, किस काल के प्रशासन में आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी। तो ये दोस्तों आपका जो आयंगर व्यवस्था था तो फ्रेंड्स ये आपका विजयनगर काल में प्रचलित थे, ठीक है, और ये जो आयंगर व्यवस्था है दोस्तों ये आपका ग्रामीण प्रशासन, ग्रामीण जो गांव है दोस्तों उसमें प्रशासन के लिए आयंगर व्यवस्था चलाया गया था, ठीक है। इसमें दोस्तों प्रत्येक गांव को संगठित किया गया था और उस गांव पर दोस्तों प्रशासन के लिए, शासन के लिए वहां पे कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, ठीक है, उसी को आपका आयंगर व्यवस्था कहा जाता है। आगे देखिए 28वां नंबर प्रश्न है आपका, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, ठीक है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1565, ठीक है, यहाँ पे देखिए कहाँ पे है 1565, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है 1565। आगे देखिए 29वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, महानवमी डिब्बा किस साम्राज्य से संबंधित थी। इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है, महानवमी डिब्बा किस साम्राज्य से संबंधित थी, विजयनगर साम्राज्य, चौल साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। अगर आप पढ़े होंगे दोस्तों तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। आगे देखिए 30वां नंबर प्रश्न है, देवराय द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे, ठीक है, देवराय द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। गोपुरम क्या है, 31वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, गोपुरम क्या है, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपका दक्षिण भारत में मंदिरों के चार दीवारी का मुख्य द्वार, ठीक है, उसको आपका गोपुरम कहा जाता था और ये आपका दक्षिण भारत में प्रचलित था, ठीक है। 32वां नंबर प्रश्न देखिए, अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे, ठीक है, अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अब्दुल फजल, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, अब्दुल फजल जो है दोस्तों ये अकबर का दरबारी इतिहासकार थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपका, फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया, ठीक है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अकबर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आगे देखिए 35वां नंबर प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया, ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1556 ईस्वी में, ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था तो 1556 में, ठीक है, और पहला युद्ध कब लड़ा गया था तो 1526 में, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 में लड़ा गया था और दूसरा युद्ध आपका 1556 में लड़ा गया था। आगे देखिए 36वां नंबर प्रश्न है आपका, मीर सैयद अली और अब्दुस सलमत जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, मुगल दरबार किस शासक ने लाया, ठीक है, शाहजहां, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अकबर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 37वां नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, जहांगीर नामा के लेखक कौन है, ठीक है, जहांगीर नामा के लेखक कौन थे, तो जहांगीर थे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आगे देखिए 38वां नंबर प्रश्न है, अकबर ने मजहर की घोषणा कब की, अकबर ने मजहर की घोषणा कब की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है, 1579 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। ये दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, इसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है। आगे देखिए 40वां नंबर प्रश्न है, जजिया प्रथा को किसने समाप्त किया, ठीक है, जजिया प्रथा को किसने समाप्त किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैंने आप लोगों को 3 सवाल दिया है, तीनों सवाल का जवाब दोस्तों आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे तो तीनों का जवाब आप लोग आसानी से दे पाएंगे। ये था दोस्तों मॉडल सेट 2 जिसका मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। बस आप लोगों को वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। आप लोगों को 40 में 40 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।